नारी के बिना कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता। और वो नारी से ब्रह्मचारी कैसे बनना है वो यहाँ विश्वविद्यालय में परमात्मा शिव बाबा सिखा रहे हैं। नारी के साथ यहाँ लाखों पुरुष रह करके और राजयोगी हैं, ब्रह्मचारी हैं। यह कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। जिसको देखना है यहाँ आकर के देखें। यह चीज हमको बहुत अच्छी लगी और बहुत प्यारी लगी, क्योंकि बिना नारी के ब्रह्मचारी बनना तो सरल बात है, बहुत सरल बात है। नारी के साथ ब्रह्मचारी बन के दिखाओ, तभी हम समझेंगे कि अपनी माँ का दूध पियो। और ऐसा काम यहाँ परमात्मा शिव बाबा ने खुलेआम स्पष्ट किया। चारों तरफ देख लो, ऐसी मूर्तियां, ऐसे लक्ष्मी नारायण, ऐसे सीताराम, ऐसे राधा कृष्ण, जो गृहस्थ में रह करके शिव बाबा को चारों तरफ प्रत्यक्ष कर रहे हैं। ऐसे बच्चों पर परमात्मा को नाज है। ऐसी माताओं को, बहनों को हम सत सत नमन करते हैं। और जल्द ही ये प्रत्यक्षता विश्व में चारों तरफ गूंज रही है। थोड़ा सा और समय है, बस हम लोग और कमर कस ले और जहां जहां त्रुटियां हैं हम में उन पे ध्यान देना शुरू कर दें, तो हमें नहीं लगता कि हमें किसी और शक्ति की जरूरत पड़ेगी हमें राम राज्य लाने के लिए। क्योंकि परमात्मा ने, अभी हम एक मुरली पढ़ रहे थे, व्यक्त मुरली थी भगवान की। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पकड़ लिया हूं, मैं तुम्ही से कराऊंगा। नहीं करोगे, जैसे करोगे वैसे कराऊंगा, कराऊंगा तुम्ही से। इसलिए हमारा यही कहना है कि परमात्मा को थोड़ा सा थर्ड डिग्री का प्रयोग ना करना पड़े, प्रेम से कार्य हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ, समय का अभाव है, हम वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को पुनः हमारी मातृशक्ति, हमारे आदरणीय भाई जी, हमारी वाणी से यदि किसी को थोड़ा सा क्लेश पहुंचा हो उसके लिए क्षमा करिएगा, हमारी वाणी ऐसी है, क्या करें। ओम शांति।